नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सामान्य विज्ञान के प्रश्न श्रृंखला में। पिछले वीडियो में प्रश्न श्रृंखला पूर्ण नहीं हो पाई थी किसी वजह से, यहाँ तक प्रश्न हो गया था। 45 वाला कर रहे थे हम लोग कि किसी विघटन नाभिक तत्व की अर्धायु 5 वर्ष की होती है, यानी 5 वर्ष में वह अपने का आधा हो जाता है। ठीक है, तो 20 वर्ष के बाद विघटन नाभिक पदार्थ का जो अंश बच जाता है वह बताना था आपको। तो बिल्कुल सिंपल सा है, 10 वर्ष में कितना हो जाएगा, ये आधे का और आधा हो जाए, यानी 1/4 हो जाएगा। अगले 15 वर्ष में, क्योंकि हर 5 वर्ष में उसकी जो मात्रा है आधी रह जाएगी। अर्ध आयु का मतलब यही होता है कि जितनी उसके वर्तमान में मात्रा है उस अपने अर्ध आयु काल में, जैसे यहाँ पर 5 वर्ष दिया है, तो 5 वर्ष में अपने मात्रा का आधा आधा होता जाएगा। फिर 15 वर्ष में ये हो जाएगा 1/4 का आधा, यानी 1/8 हो जाएगा। और अगले फिर से 5 वर्षों में, यानी 20 वर्ष में कुल 1/8 का आधा कर देंगे तो 1/16 मात्रा बचेगी। तो अर्धायु का सेक्शन पिछली वीडियो में भी काफ़ी मैंने डिटेल में समझाया था आपको। तो बिल्कुल इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर होगा डी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है, इसका अभिप्राय यह है कि। तो सभी रेडियो एक्टिव पदार्थों से कुछ न कुछ किरणें अदृश्य निकलती रहती हैं, जैसे अल्फा, बीटा और गामा किरणें, जिसमें से अल्फा की प्रकृति धनात्मक होती है, इसको हीलियम का नाभिक भी कहते हैं, एक बार थोड़ा सा सुन लीजिए आप। बीटा की प्रकृति निगेटिव होती है और गामा आपका जो होते हैं ये उदासीन कण होते हैं, इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं, जिनके ऊर्जा की मान काफ़ी अधिक होता है, यानी इनकी आवृत्ति बहुत अधिक होती है। तो एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अगर अर्ध आयु 10 दिन है, इसका अर्थ ये हो गया कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। यानी 10 दिन में वो आधा हो रहा है, आप देख लीजिए एक बार ध्यान से, 10 दिन में वो अपने वर्तमान मात्रा का आधा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सभी ऑप्शन में अगर आप देखें आप, तो पहले में कह रहा है 20 दिनों में पूर्ण विघटन, तो ऐसा तो होगा नहीं। 40 दिनों में पूर्ण विघटन, ऐसा तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ मात्रा अवश्य शेष बचेगी। या 5 दिनों में 1/4 तो होना नहीं, क्योंकि 10 दिन में तो 1/2 हो रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि 20 दिनों में इस आधे का 1/2 भाग और डिके हो जाएगा, मीन्स 1/4 भाग नष्ट हो जाएगा। तो पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 1/4 भाग उसका बचेगा, तो पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। कोई भी दिक्कत हो बिल्कुल आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। आप कापी और पेन लेकर जरूर बैठा करिए, आप स्वयं से भी करेंगे, जो भी आपको चीज़ें बताई जा रही हैं तो बिल्कुल आप बड़े आसानी से कर लेते हैं। सिर्फ देखने से ही आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आ सकती हैं, आपको स्वयं करना पड़ेगा उसको। इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्कोनियम से इसका कोई मतलब नहीं है। शेष तीनों ये भारी नाभिक है, जिनसे कि रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिव किरणें स्वतः से निकलती रहती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने पिछले वीडियो में कई बार इसको बताया है कि यूरेनियम के 2 समस्थानिक, 92 यूरेनियम 235 और 92 यूरेनियम 238। तो समस्थानिक ऐसे होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है, लेकिन उनके परमाणु भार अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है नाभिकीय ईंधन की, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा यूरेनियम, जिसको कि नाभिकीय न्यूक्लियर रिएक्टरों में प्रयोग करके विद्युत उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो ये प्रश्न मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण। अल्फा कण ये धनावेशित होती हैं, बीटा कण ऋणावेशित होता है और गामा किरणें उदासीन होती हैं। गामा किरणें जो हैं उच्च ऊर्जा की विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इसको भी आप बिल्कुल जानते रहिए। अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा। देखिए, नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रण छड़ों के माध्यम से न्यूट्रॉनों को कंट्रोल किया जाता है, जैसे कैडमियम की छड़ हो गई, ठीक है, कैडमियम का छड़ इसके लिए प्रयोग किया जाता है। अगर इन छड़ों का प्रयोग न किया जाए तो श्रृंखला अभिक्रिया, यानी जो नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया है, पहले 3 फिर 3 से फिर 9 हो जाता है,
फिर 9 से फिर 27, फिर ये तीन तीन बढ़ती चली जाती हैं, फिर यहाँ से तीन तीन न्यूट्रॉन निकलते चले जाते हैं। तो इस तरीके से 3 से 9, 9 से 27, 27 का फिर 3 गुना 81, इस तरह से ये अभिक्रिया बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती जाती है और बिल्कुल एक खतरनाक रूप ले लेगी, यानी चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी राइट ऑप्शन। तो ये आपकी श्रृंखला, पिछली श्रृंखला जो अधूरी रह गई थी यहाँ पर समाप्त होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न श्रृंखला के साथ।